हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 42। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, कल रात अचानक से इतनी तेज आंधी आई, आंधी के साथ साथ हमारे घर में तो चूहे मास्टर जी भी आ गए। चूहे मास्टर जी का मुझे पता कैसे चला, क्योंकि रात में आंधी आई थी ना, तो आंधी की वजह से ना पूरे घर में इतनी ज्यादा डस्ट हो रखी थी। तो भाई मैंने सोचा कि अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, तो सुबह उठते मैं घर की साफ सफाई में लग गई हूँ। तो अचानक से मैंने एलमीरा के नीचे रैग लगा हुआ ना, वही निकाल कर देख लिया, तो गाइस इतना मोटा था, सच में ब्लैक कलर का है, ऐसे निकल के भागा उसने, मेरे को इतनी तेज डराया ना, वो सीन मैं कैप्चर नहीं कर पाई सच में यार। और जब उसके बाद मेरा मन इतना बेकार हो गया, उसने यहाँ पे सारे शूज वगैरह स्लीपर मेरे सारे कट करके रख दिए, और उसकी रैक के अंदर इतनी मोटी मोटी पोटी पड़ी हुई थी ना, है पूछो ही मत बस। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सफाई करने के लिए, और गई इसी वाली अलमीरा के नीचे नहीं, दूसरे रूम में उससे पहले मैं कर चुकी थी, उससे पहले वो भी मैंने निकाल कर ही देखा। तो वहां पर मतलब मुझे ना कुछ आवाजें आई थी, खटर 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 इस टाइप की, तो मैंने कहा अचानक से मैंने वो अलमीरा निकाल कर देखी, भैया उसमें भी मेरे सारे शूज स्लीपर सारे कट करके रख दिए उसने, और भैया सच में यार बुरा हाल मचा रखा है। एक तो आंधी ने, ऊपर से ये चूहे मास्टर जी आ गए हैं घर में, मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही है, तो यार मेरी तो हालत खराब हो रखी है सच में। एक तो रात से जब से आंधी आई है ना, मुझे इतना ज्यादा कर 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 लग रहा था, जैसे मतलब मुझे पता है डस्ट से ना, जैसे गाइस बहुत ज्यादा एलर्जी है, जैसे ही जरा सी धूल वगैरह देख लेती हूँ ना, तो बहुत अजीब सा ही हो जाता है, मतलब अभी सफाई करो ऐसा होता है। तो यहाँ पर रात काटनी मुझे इतनी मुश्किल हो गई थी ना, बस पूछो ही मत। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी, पतिदेव बोले लो आधा आधा कप पहले चाय पी लो, उसके बाद आगे के काम शुरू करना। तो यहाँ पर पतिदेव बच्चे सभी मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, तो पतिदेव ने बोला चलो चेस करके चाय पीते आधा 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 कप आराम से बैठकर, उसके बाद आगे काम शुरू करना। तो गाइस चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ इधर बाहर का पोर्शन, आप लोग देख सकते हैं इधर हमारे टू व्हीलर खड़े होते हैं। तो ये टू व्हीलर आज मुझे, मैंने किसना से बोला कि सारे टू व्हीलर बाहर निकालो, क्योंकि आंधी की वजह से इतनी ज्यादा डस्ट हो रखी थी, मतलब झाड़ू पोछे में कवर ही नहीं हो रखी थी, धुलाई करनी पड़ती तभी ये कवर होते। तो यहाँ पर टू व्हीलर सारे बाहर निकाले किसना ने, उसके बाद यहाँ पे होती है धुलाई शुरू। अब धुलाई के साथ साथ पहले पूरी डस्टिंग करूंगी, ये विंडो वगैरह लगी हुई है उसकी डस्टिंग वगैरह करूंगी, उसके बाद फिर यहाँ से धुलाई करूंगी। आप लोग देख सकते हैं किसना बैठा ना सीट पर, सीट देखो, टी शर्ट भी इसकी पूरी डस्ट में हो गई है। सर अंदर की साइड मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी गाइस, और झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं बाहर का पोर्शन है जो मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे व्हीकल खड़े होते हैं ना, सारे रोड पर खड़े हुए थे मतलब गली में, तो सुबह मॉर्निंग का टाइम था, सब लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो फिर इधर उधर उठाने मतलब लगाने होते हैं। तो मैंने सोचा पहले यहीं की क्लीनिंग कर देती हूँ, यहाँ से धुलाई कर देती हूँ, उसके बाद सारे व्हीकल अंदर खड़े कर देंगे। गाइस इधर मैं आ चुकी हूँ ड्राइंग रूम में, और बाकी दो रूम की मैं क्लीनिंग डस्टिंग अच्छे से कर चुकी थी, बाहर का पोर्शन अच्छे से साफ हो चुका था। अभी आती है बारी ड्राइंग रूम की, और यहाँ पे ना जो चूहे मास्टर जी आए हैं ना हमारे घर में, उनकी इधर भी पोटी पड़ी हुई थी, मैंने कर्टेन हटाकर देखा तो इतनी सारी पोटी थी सच में यार। तो मैंने यहाँ पर ये विंडो वगैरह जो लगी हुई है, इनको अच्छे से कर्टेन हटाने के बाद इनको अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उधर की साइड बाहर का पोर्शन है, तो ये अंदर की साइड में डस्ट आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे सोफे साइड में करे, साइड में करने के बाद फिर लग गई हूँ अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए। अभी ये ऊपर का पोर्शन है ना, विंडो वगैरह वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो मैंने बच्चों को आवाज लगाई, अभी कोई सा भी बच्चा नहीं आया, तो जब तक मैं बच्चे आते हैं तब तक मैं नीचे वाला पोर्शन, जो नीचे वाली विंडो है, उनको अच्छे से साफ कर लूंगी। जब तक मैंने नीचे वाली विंडो साफ की, तब तक आ चुके थे त्रिषभ भाई साहब, और बोले लाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पर त्रिषभ ने कपड़ा लिया मुझसे, और ऊपर वाली जो विंडो होती है सोफे का ऊपर चढ़कर इसने अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दी। त्रिषभ बहुत अच्छी सफाई करते हैं, जब भी कुछ भी कराओ ना इससे, तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करता है, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, नहीं बहुत अच्छे से सफाई करता है बिल्कुल मन से। और बस यहाँ पर सारी सफाई करने के बाद अभी आगे काम शुरू करूंगी। गाइस अगर आप फिर वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर त्रिषभ जा चुके हैं फोन लेकर, और अभी मेरे काम आगे के शुरू है। बस पता है मेरा क्या है, मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ ना बिल्कुल अच्छे से करती हूँ, मन से करती हूँ, कोई सफाई करती हूँ तो भी मन से करती हूँ, खाना बनाती हूँ तो भी मन से बनाती हूँ,
मैं ऐसा नहीं कि हाँ मैं अपना ही काम, मैं किसी का भी काम करूँ तो हमेशा मन से ही करती हूँ और बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से करती हूँ। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटीज पूरी करो हो गया, नहीं। चाहे मुझे देखो अभी यहाँ पर मुझे सफाई करते करते 1 से 1.5 बजने वाला है आज, मैं सफाई में लग जाती हूँ ना गाइस, बिल्कुल एक एक चीज चमका देती हूँ। और मेरा ऐसा नहीं कि ये आंधी तूफान आया तभी मेरे को सफाई ऐसी करनी है, मेरा डेली बेसिस में यही काम है, हमेशा मेरा घर बिल्कुल चमकता रहता है। तो गाइस अभी बजे हैं दोपहर के 12:30 और कब से मैं सुबह 6 बजे से कंटिन्यू लगी हुई हूँ। मतलब कल आंधी तूफान ने इतना पूरे घर का ऐसा हाल कर दिया, इतनी साफ सफाई करते करते, बट अब पूरी की पूरा मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया। आपको कहीं भी कुछ भी डस्ट नहीं मिलेगी, कहीं भी आप कुछ भी टच करके देख लो, पूरे रूम मैंने बहुत अच्छे से चमका दिए हैं। और गाइस एक तो आंधी ने तहस नहस करा और ऊपर से कल चूहा भी आ गया, उसने पूरी स्लीपर्स वगैरह के डब्बे सब कट करके रख दिए। और अभी 12:30 बजे मैंने कुछ भी नहीं किया, बच्चों ने पूजा पाठ वगैरह कर दी थी। और गाइस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर टेरेस पर कपड़े धोने के लिए, ये देखो यहाँ पर रखे हुए हैं सारे कपड़े। और कपड़े मुझे इसे धोने क्योंकि शाम को मुझे करानी है पैकिंग, हस्बैंड की लगी है इलेक्शन में ड्यूटी, उनको कल मॉर्निंग में निकलना है तो शाम को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और ऊपर टेरेस पर इतनी तेज धूप, आप लोग धूप देख सकते हैं कितनी तेज है। दोपहर के 1 बजे मई अप्रैल के लास्ट में कितनी धूप होती है आप लोग समझ सकते हैं गाइस। और अभी मुझे धूप में कपड़े वॉश करने हैं, वैसे तो ऊपर वॉशरूम में मशीन रखी हुई है बट फिर भी सुखाने तो धूप में ही है। तो चलिए चलती हूँ अभी ये सारे कपड़े लेकर ऊपर। और स्कूटी यहाँ पर सारी सफाई हो गई, अभी स्कूटी बाहर खड़ी हुई है सारी, तो स्कूटी लगा देना तुम्हें ना, लगा दोगे। ऊपर टेरेस पर धूप इतनी तेज थी ना गाइस, जैसे ही पहुंची ना थोड़ी देर में मेरे को इतना ज्यादा पसीना आ गया, नहाकर गई थी बता भी नहीं चला कि मैं नहाकर आई हूँ, इतनी तेज धूप थी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर सारे कपड़े वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से नीचे जाऊंगी। और उससे पहले यहाँ पर पक्षियों का पानी रखा हुआ है वो भी रखना है मुझे। और ऊपर सबसे ऊपर टेरेस पर हमने एक पौधा लगाया हुआ है अमरूद का, मतलब गुआवा का, तो वो गुआवा का पौधा उसमें सूख रहा है तो वहां पर मुझे पानी वगैरह डालना चुके हैं। और अभी बच्चों का है 1:30, मतलब 1:30 बज चुका है। तो चलिए अभी नीचे चलती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, ब्रेकफास्ट के अब तो लंच ही हो जाएगा, 1:30 बज चुका है तो बहुत तेज भूख लगी। चलिए गाइस नीचे चलती हूँ फटाफट से, बहुत तेज धूप है। और जी गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, बाय बाय।